राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के दिए गए भाषण के कुछ अंशों को हटा दिया गया। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने जनतंत्र टीवी के साथ खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे जी। सनातन जी, कल जिस तरीके से राहुल गांधी का भाषण हुआ उसके कुछ अंश जो है वो हटा दिए गए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हटा दिए गए हैं, हो गया, हटा दिया गया, ये आपको पूरी जानकारी है? हटा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जो कहती है वही सही है, अजय विपक्ष कहता है वो गलत है। लेकिन कल जो है 10 वर्ष बाद एहसास हुआ है भारतीय जनता पार्टी को कि अब सिर्फ उनके कहने पर नहीं होगा, अगर सरकार को देश हित में फैसला लेने होंगे तो उसमें विपक्ष की भूमिका होगी। कल ये अवगत कराने का काम कर दिया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो कल हिंदुओं को लेकर बात कही उस पर बीजेपी लगातार वो बीजेपी के जो हिंदू उनकी बात कहे हैं, आम हिंदू की बात नहीं है, बीजेपी के हिंदू। बीजेपी कह रही है कि सभी हिंदुओं को हिंसक कह दिया राहुल। नहीं, बीजेपी के हिंदू तो खुद हिंदू है, वो खुद हिंदू की बात किए, हम भी हिंदू हैं, हमें तकलीफ नहीं है। लेकिन नीट को लेकर चर्चा नहीं हो पा रही, जो आप लगातार मांग करें कि नीट इधर जो है सत्ता पक्ष की कमजोरी है, उसकी गलतियां हैं, उनके वजह से परीक्षाएं लीक हुई हैं, हजारों नौजवानों का भविष्य चौपट हुआ है, इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जिन्हें चर्चा करें उनका पोल खुल जाएगा। उनको सनातन पांडे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर जनतंत्र टीवी के सामने अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।